नमो अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्जायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सवशाहूणं एसो पंच नमुक्कारो सब पाव पणासनो मंगलानंच सब्बेसि पडमं हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम आराध्य देवी के चरणों में वंदन आदरणीय समनी जी उपस्थित भावी तथा बहन दसवैकालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने पांच चैप्टर में प्रथम उपदेशक उसकी चर्चा की और आज हम पांचवे चैप्टर के अंतर्गत जो दूसरा उपदेशक है उनकी हम चर्चा करेंगे। उनमें से हमने 32 श्लोकों की चर्चा कर ली थी, आज हम 33 श्लोक से चर्चा करेंगे। चिया एगी ओलतुम विहम पाण भोयणम भद्दगम भद्दगम भोच्चा विवन्नम विरसमाहरे। चिया एगी ओलतुम, चिया का मतलब है कदाचित, एगियो का मतलब है कोई एक मुनि, विविहम का मतलब है विविध प्रकार के, पान भोजन, पान भोजन को तत्वन प्राप्त करके, भद्दगम भद्दगम श्रेष्ठ श्रेष्ठ भोजन खा करके, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ भोजन है यानी टेस्टी है उस भोजन को खा करके, भद्दगम भद्दगम श्रेष्ठ श्रेष्ठ भोजन खा करके, विवन्नम वीर समाहरो, विवन्नम का मतलब विवरणा यानी जो टेस्ट लेस है ऐसे वीरस आहार को क्या करते हैं आहारित, आहारित में लाता है यानी भिक्षा के लिए साधु गया उनको कोई अच्छी वस्तु मिली उसको तो वो खा लेता है, जो टेस्ट लेस है जो अच्छी नहीं उनको तो क्या करता है वो स्थान पे लाता है। इस प्रकार वो माया का आचरण करता है। जानन्तु ताइमि समणा आयत्थि अयम मुनि संतुष्टो सेवै पंतम मुहमिति सुतोसौ। जानन्तु ताइमि समणा, इमे इमने ये समान आयत्थि, आयत्थि का मतलब मोक्षार्थि है, अयम मुनि, अयम मुनि मने यह मुनि, आयत्थि मने मोक्षार्थि है, इमे समणा मने ये श्रमण जानन्तु ये ऐसा मुझे जाने, संतुष्टो सेवै पंतम जो संतुष्ट होता है और प्रांत को खाता है, प्रांत का सेवन करते हैं, प्रांत भोजन, प्रांत का मतलब है जो एकदम वृक्ष है जो टेस्टलेस है ऐसे भोजन को खा करके संतुष्ट होने संतुष्ट रहता है। नूहवृत्ति यानी वृक्ष वृत्ति, सुतोसो वृक्ष वृत्ति और जिस किसी वस्तु से ये क्या है सुतोष यानी संतुष्ट होने वाला है। ये श्रवण मुझे यूं जाने यह मुनि बड़ा मोक्षार्थी है, संतुष्ट है, प्रांत आहार का सेवन करता है, वृक्ष वृत्ति और जिस किसी भी वस्तु से संतुष्ट होने वाला है। वो क्या करता है रास्ते में तो अच्छी वस्तु खा लेता है, ऐसी वस्तु ले आता है कि दूसरे साधु सोचते कि देखो ये कितना अच्छा है कितना संतुष्ट है, जैसे भी मिलता है वो वैसा ही खा लेता है, वो दूसरों को दिखाने के लिए वैसा वो माया का आचरण करता है। तो व्यक्ति माया का आचरण क्यों करता है इस श्लोक में भी इसका उत्तर दिया गया है। पूर्णि जसो कामी मान सम्मान कामये कहुं पसवै पावम माया सल्लम जगुबई। माया व्यक्ति क्यों करता है, पूर्णि जसो कामी, पूर्णि का मतलब पूजा का अर्थी,
जसू का मन हिस्का काम, पूजा का मन मेरा, मेरी पूजा हो, अर्चना हो, जसू का मन मेरा यश हो, उस इच्छा से व्यक्ति क्या करता है, माया का आचरण करता है। मान सम्मान काम, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो। मान का मतलब होता है कोई बड़ा आता है तो खड़ा होना, वंदन करना, नमस्कार करना, वो तो मान है। सम्मान का मतलब है वस्त्र पात्र आदि देना, वो सम्मान है। तो किसी को कोई वस्तु देते हैं वो तो सम्मान हो गया, और उस जो बड़ा कोई आता है घर में, उनके आने पर उनको आसन देना, उनको वंदन करना, नमस्कार करना, वो सब मान है। बहुम पसमई पाओ माया संलग्न से कुब्बई, जो माया करने वाला क्या करता है, माया संलग्न कुब्बई में माया संलग्न करता है, वो क्या करता है, बहुम बहुत पसवई पाव, बहुत और प्रचुर पापों का वो अर्जन करता है। इन्हें माया करने से वो क्या करता है, बहुत पाप का अर्जन करता है। और माया क्या है, एक प्रकार का शल्य है। तो ठाणक सूत्र में तीन प्रकार के शल्यों की चर्चा की गई है, माया शल्य, सेकंड है निदान शल्य, और थर्ड है मिथ्या दर्शन शल्य। तीन प्रकार के शल्य है। शल्य का मतलब होता है कांटा, जैसे कांटा होता है या शस्त्र होता है, वो लगने पर शरीर में चुभता चुभता रहता है, वो हमें कष्ट देता रहता है। वैसे ही जो व्यक्ति माया का, निदान का, मिथ्या दर्शन का आश्रय करता है, वो भी व्यक्ति को कष्ट देता रहता है। यानी माया करने वाला कभी भी सुखी नहीं होता है, वो हैप्पी नहीं रह सकता है। हमेशा उसके मन में चिंतन यही रहता है, अरे मैंने इस प्रकार का पाप किया है, कहीं मेरे पाप की पोल खुल न जाए, वो इस रूप में डरता रहता है। माया का मतलब होता है लुकाव छुपा, कहना कुछ करना कुछ, सच्चाई को न बताना, धोखाधड़ी करना, चिटिंग करना, ये सब माया है। और माया करने से व्यक्ति कहाँ जाता है, उसकी सदगति नहीं होती है माया करने वालों की, उसकी दुर्गति होती है। जो व्यक्ति माया करता है उसकी दुर्गति होती है, यानी जो अनंतानंदी अगर माया करता है तब तो नरक गति में जाता है, यदि अप्रत्याख्यान माया करता है तो वो व्यक्ति तिरंज गति में जाता है। अनंतानंदी का मतलब होता है जिससे संसार का अंत नहीं आता, यानी अनंत काल तक संसार में जो परिभ्रमण कराता है उसे अनंतानंदी कहा जाता है। अप्रत्याख्यान का मतलब होता है जो किसी भी प्रकार का वो त्याग हमें करने नहीं देता है, जब तक अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय होता है तब तक हम छोटा सा त्याग भी नहीं कर सकते हैं। जैसे देवता और नारकी के अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय होता है, जिसके कारण वो छोटा सा त्याग भी नहीं कर सकते हैं। तो माया को संलय कहा गया है, क्योंकि माया संलय इसीलिए है क्योंकि माया करने वाले व्यक्ति हमेशा दुख का ही अनुभव करता है, उसको एक क्षण के लिए भी सुख की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि उसके मन में एनी टाइम यही डर रहता है कहीं मेरे पाप का घड़ा फूट न जाए। माया करने वाला इस लोक में भी सुखी नहीं होता है और नेक्स्ट बर्थ में भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी माया जो करता है उसका उसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती है, घर में भी लोग जानते हैं ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, ऊपर से बड़ा मीठा बोलता है, अंदर से कुछ और करता है, मुख में राम बगल में छुरी जैसा बात करता है। कई व्यक्ति होते ऊपर से बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, अंदर से कुछ छुरे भोंकते रहते हैं। इस प्रकार का जो आचरण होता है वो व्यक्ति खुद भी सुख का अनुभव नहीं करता है इस जन्म में भी, और नेक्स्ट बर्थ में उसका अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें माया संलय से दूर रहना चाहिए। सुरम वा मेर्गम वावी अन्नम वा मज्जगम रसम ससखम न पिबेदिखो रसम सारखमप्पणो। सुरम वा मेर्गम वावी, सुरा अथवा मेर्ग, ये दोनों मध्य के ही प्रकार है, शराब के प्रकार है। अन्नम वा मज्जगम रसम, अन्नम वा मज्जगम रसम ससखम न पिबेदिखो रसम सारखमप्पणो। दसम का मतलब संयम, सारखम अपनों ने संरक्षण करता है, अपनों ने अपने अपने संयम का
संरक्षण करते हैं, रक्षा करता है, वो क्या है, भिक्षु स सक्षम आत्म साक्षी से न पिबेत, न पिए, किसको न पिए, सूरा अथवा मेरक, यानी जो सूरा है मेरक है, ये दोनों ही मध्य के ही प्रकार है, या अन्नम अन्य किसी प्रकार का मज्जगन मादक रस को न पिए, ने शराब तो उनको पीना ही नहीं है, और अन्य प्रकार का जो मादक रस जो पीने के बाद उन्मत्तता पैदा करे, यानी जैसे शराब पीने के बाद व्यक्ति कैसे है, ऐसा हो जाता है, होश हवास उसका खो जाता है, वो उसको पता ही नहीं चलता मैं कौन हूँ क्या हूँ, शराब पीने वाला अपने आप को भूल जाता है, दूसरों को भी भूल जाता है, अपने आप को भी भूल जाता है। एक चुटकला होता है, एक बहन थी, उसका पति बहुत ही शराब पीता था, वो बहन हमेशा मना करती थी अपने पति देव को, आप शराब प्लीज मत पियो, लेकिन वो मानता नहीं था। एक दिन वो शराब पी करके आता है, घर बंद था, उसने लॉक किया, बहन ने उसकी जो वाइफ थी उसने दरवाजा खोला, घर के आगे क्योंकि गांव में भैंस गाय रखते थे, घर के आगे भैंस बंधी हुई थी, उस भैंस की पूंछ को पकड़ करके उसने कहा, अरे पप्पू की मम्मी हमेशा तुम दो चोटी बनाती हो, आज तुमने एक ही चोटी क्यों बनाओ, वो अपने आप को तो पहचानता नहीं है, दूसरों को भी भूल जाता है, भैंस है या पत्नी, पत्नी को भैंस बना दिया, मैंने जो भैंस थी उसको अपनी पत्नी मानने लग गया और कहा, अरे पप्पू की मम्मी हमेशा तुम दो चोटी बनाती हो, आज तुमने एक चोटी क्यों बनाई। व्यक्ति जो ड्रिंक करता है, शराब पीता है, वो अपने आप को भी भूल जाता है, दूसरों को भी भूल जाता है, इसलिए शराब पीना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं, और जो शराब पीता है उनके लिए कहा जाता है, अरे ये तो शराब ही है, तो लोगों में भी अच्छा, मतलब उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है, तो अगर शराब कोई पीते हो तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन अपन जैन लोग तो कोई नहीं पीते होंगे, कहीं जगह ऐसे भी होते हैं, हम जाते हैं स्थान स्थान पे, जैन लोग भी शराब पीते हैं, तो जो भी जैन हो अपने बच्चों को भी संस्कार दे कि अपन जैन है इसलिए अपने को शराब नहीं पीना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जैसे ही सिखाते हैं बच्चे वैसे ही सीख जाते हैं, तो इसमें मुनि के लिए मनाई है, मुनि को पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो जैन होते हैं गृहस्थ होते हैं उनको भी शराब नहीं पीनी चाहिए। अपने संयम का संरक्षण करता हुआ भिक्षु सुरा मेरक या अन्य किसी प्रकार का मादक रस आत्म साक्षी से न पिए, मैंने कोई दूसरा देखे ना देखे, अपनी साक्षी से अपनी आत्मा के साक्षी से भी नहीं पीना चाहिए। पिया एक यो तेरो नमे कोई बिया नहीं तस पस दोसाइन यदि सुने में, पिया एक यो तेरो तेरो मैंने तेन यानी चोर की वृत्ति से, एक यो कोई एक मुनि पिया पीता है, नमे कोई ज्ञान मुझे कोई नहीं जानता है ऐसा सोच करके वो चोर की वृत्ति से पीता है, तस्य पस्य दोषाय उसके दोषों को पस्य में देखो, नियडिम से सुने में और मेरे से, नियडिम का मतलब है माया के आश्रण आश्रण को सुनो, जो व्यक्ति चोर की वृत्ति से क्या पीता है, शराब आदि जो भी मादक रस उसको पीता है, और उसके जो दोष है उनके दोषों को मेरे से सुनो, जो मुनि मुझे कोई नहीं जानता वो सोचता हूँ एकांत में स्थित व्यक्ति से मादक रस पीता है, उसके दोषों को देखो और माया चरण को मुझसे सुनो। आगे श्लोक में बता रहे हैं कि वो किस प्रकार वो माया करता है और किस प्रकार उसकी गति होती है, वो आगे श्लोकों में आ रहा है। बड़े शौंडिया तस् माया मौसम से दिखुणो ऐसो अनिर्वाण संयम से ऐसा हो गया। अच्छा बड्डे सौंडिया तस्य, सौंडिया का मतलब उन्मत्तता, तस्य मतलब उस भिक्षु की उन्मत्तता बढ़ती है, माया अगर मद्यपान पिएगा तो उन्मत्तता यानी वो एकदम लेजी हो जाएगा, उसमें कुछ भी उसको होश नहीं रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो मन आए बोलेगा, मन आए आए वो करेगा, ऐसे उन्मत्तता उसकी बढ़ जाती है। और माया करने से क्या होता है, माया मृषा, माया करेगा छल कपट करेगा, वो माया मृषा का माया भी करेगा और साथ में झूठ भी बोलेगा, मृषा का मतलब झूठ बोलेगा। आचार्य श्री महाश्रम जी कई बार कहा करते हैं, अगर आपसे एक पाप हो गया है तो दूसरा पाप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति माया भी कर लेता है ऊपर झूठ भी बोल लेता है,
तो एक साथ दो पाप तो कम से कम ना करें। एक पाप हो गया उसका भी हम प्रायश्चित कर लें, लेकिन दूसरा पाप तो हम झूठ बोल करके दूसरा पाप हम क्यों करें। तो माया निशा अयश कौन अयश अनिर्वाणम अनिर्वाण उसका निर्वाण नहीं होता है, मैंने जो माया करता है उससे क्या होता है अयस होता है, नहीं उनका यश नहीं होता है। और अनिर्वाणम अनिर्वाणम का मतलब है निर्वाण नहीं होता है मोक्ष नहीं होता है। संयम से ऐसा हुआ और सतत निरंतर उसकी असाधुता बढ़ती है, क्योंकि तो माया का आचरण करेगा तो माया करने से माया का पाप लग गया, झूठ का पाप लग गया, 18 पाप का, क्योंकि जो साधु होते हैं 18 पापों को सेवन करने का त्याग होता है। लेकिन यदि साधु बन करके भी माया करता है, दिशावाद का प्रयोग करता है, यानी जो असत्य भाषा का प्रयोग करता है, उससे क्या होता है उसका यश नहीं बढ़ता है, उनका निर्वाण नहीं होता है और निरंतर असाधुता बढ़ती रहती है। ऐसे उनमें उनके भीतर कई दोष बढ़ते रहते हैं। उस भिक्षु की उन्मत्तता माया मिशा अयश अतृप्ति और सतत असाधुता ये दोष बढ़ते हैं। किसके जो माया करता है उनके। निज विगो जहातेरो अत्तकम्मेहिदुम्मै तारिसो मरन्ते वे नाराहे संवरम। वह दुर्मति अपने दुष्कर्मों से चोर की भांति सदा उद्विग्न रहता है। मद्यप मुनि मरणांत काल में भी संवर की आराधना नहीं कर पाता। निचो ने हमेशा उविग्व का उद्विग्न रहता है। तेन मुनि जो तेन वृत्ति से अत्तकम में ही धुम्मई, अत्तकम ही का मतलब है अपने दुष्कर्मों से तारिशो मनन्ते नाराहि संवरम। तारिश मन तादृश मैंने उस प्रकार के मैंने मध्य मुनि यानी मद्यपान करने वाले मुनि मनन्ते थी मरणांत काल में भी यानी मृत्यु का समय आने पर भी संवरम नाराहि संवर की आराधना नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका लोग एक तो माया का आचरण करता है, ऊपर से चोर वृत्ति से छल कपट से करता है और मद्यपान करता है। ऐसा मुनि लास्ट टाइम तक भी संवर की आराधना नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका लुकाव छुपाव उसी में वो रसा पचा रहता है। साधु बन करके भी वो संवर की साधना नहीं कर पाता है, क्योंकि ऊपर से वेश से साधु है लेकिन भीतर में साधुपन आया नहीं। आयरिय नाराही समणे यावि तारिषो यहत्था मिणम गर्हन्ति जैन जानन्त तारिषम। आयरिय आयरिय का आचार्य आचार्य की न आ रहे आराधना नहीं कर पाता है। समणे यावि तारिषो श्रमणों की भी वो आराधना नहीं कर पाता है। यहत्था मिणम गर्हन्ति गृहस्थ भी उसे गर्हन्ति में उसकी ग्रहण करते हैं। जैन जानन्ति तारिषम इसलिए उसकी जैन जानन्ति जिसने उसको जान दिया कि ये मुनि है मद्यपान करने वाला है तो गृहस्थ भी उनकी क्या करता है ग्रहण करता है। अरे एक ऐसा साधु मद्यपान करता है, वो भी छीछी करते हैं उनकी निंदा करते हैं। वह न तो आचार्य की आराधना कर पाता है और न श्रमणों की भी, गृहस्थ भी उसे मद्यप मानते हैं इसलिए उसकी ग्रहण करते हैं। एवं तु अगुण पे ही गुणानम चो तारिशो मनती नाराही संवरम। एवं इस प्रकार अगुण पे ही अगुणों की प्रेक्षा करने वाला, पे ही का मतलब है प्रेक्षा करने वाला, गुणानम चो गुणों को वर्जने वाला यानी गुणों को छोड़ने वाला, तारिशो मनती वैसा मुनि मनंत काल में भी मरण मैंने मृत्यु का समय आने पर भी संवरम नाराही संवर की आराधना नहीं कर पाता। इस प्रकार अगुणों की प्रेक्षाएं आसेवना करने वाला और गुणों को वर्जने वाला मुनि मरणांत काल में भी संवर की आराधना नहीं कर पाता। जो अपने अवगुण है अपने जो दोष है उनको तो वो देखता नहीं है, दूसरों का जो अच्छे गुण है उनको वो देख मतलब उनको वो छोड़ देता है, यानी अगुण है उनको तो वो क्या है बिल्कुल भी नहीं देखता है कि मेरे में ये दोष है। और गुणों को जो गुण होने चाहिए साधु में
उन गुणों को वो अपनाता नहीं है, उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। मुझे अहिंसा का पालन करना चाहिए, मुझे सत्य बोलना चाहिए, मुझे चोरी नहीं करना चाहिए, मुझे ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना चाहिए, परिग्रह नहीं रखना चाहिए। वो जो गुण है साधु के, उनकी ओर तो ध्यान नहीं, जो दोष है उसको वो देखता रहता है और उसको ही वो बढ़ाता रहता है। ऐसा साधु है वो मृत्यु काल में मृत्यु आने पर भी समवर की आराधना नहीं कर पाता है। तवम कुब्बे मेहानी पणियम वज्जे रसम मजप्पमायिरो तवस्य एकशो तस्य पस्य कल्याणम अनेक साहूयम न्यूनम अत्त संजुत्तम चित्तेसम सुनिहिमे। जो मेधावी मेहमान मेधावी मुनि तपस्वी मुनि पणियम मुनि प्रणित यानी जो घी दूध छवि गए ना, घी दूध दही तेल गुड़ आदि जो छवि गए उन रसों का तो वो क्या करता है, वज्र में छोड़ता है, वर्जन करता है। मजपमाय विरो मध्य और प्रमाद से विरत है, यानी मध्य भी नहीं कर मध्यपान करेगा वही प्रमाद करेगा, तो मध्यपान नहीं करेगा तो प्रमाद भी नहीं करेगा, प्रमाद से भी वो विरत है यानी दूर है। तपस्वी में तपस्वी अयुक्शो अपना भी उत्कर्ष नहीं करता यानी अपनी प्रशंसा नहीं करता है, मैं ऐसा हूँ मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत तपस्वी हूँ, अपनी भी प्रशंसा नहीं करता है। तस्य कल्याण उसके कल्याण को देखो, अनेक साहु पूजे और अनेक साधु के द्वारा जो पूजित है, विपुल अर्थ से युक्त है, कितने इसम सुनि में उनकी मैं कीर्तना करूंगा यानी उनका मैं वर्णन करूंगा, मैं सुनि मुझसे सुनो। पहले तो वो जो दोषों मतलब जो माया का आचरण करता है उनके दोषों को सुनने की बात कही थी, अब कहे कि जो माया नहीं करता है, जो प्राणित रस का भोजन नहीं करता है, जो मद्यपान नहीं करता है, जो अपनी प्रशंसा नहीं करता है, उनके गुणों को सुनो मुझसे। अब उनके गुण क्या क्या है आगे उसकी हम चर्चा करेंगे, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी इसके और श्लोक बाकी है, छह श्लोक बाकी है, छुट्टी है, तो मैं सोचती हूँ अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे नेक्स्ट क्लास में आपको ज्वाइन होना। आपको किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।